और वो है पुल जहाँ से हम जाने वाले थे मगर वहाँ से हम गए नहीं। ये रास्ता देखा देखा सा लग रहा है मेरे को यार। ये कोदाई बहुत ही मजा आ रहा है। ये भी अलग फील है, पहले की नहीं है। बहुत मजा तो गाइज अब हम रूम में एंटर हो चुके हैं मसूरी में। मसूरी में हम करीब करीब टाइम जो हो रहा है हमारा 10 बज चुके हैं। तो अभी हमने रूम लिया है और ये रूम पड़ा है मैं 1000 रुपये का। तो रूम कुछ इस तरह का रूम है, ठीक है। डबल बेड ही है और एक सिंगल में वो वाला है और बाथरूम है। बस 1000 रुपये का पड़ा है हमें ये वैसे भी। और ये मेन्यू कार्ड है, इसके अलग से चार्जेस हैं, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आज हम मतलब वही बात है कि हम धनौल्टी जा रहे थे, तो धनौल्टी का रास्ता बहुत बेकार था, इसलिए वहाँ से वापस आके मसूरी आ गए। अब ये है कि जो व्यू अभी हम देखेंगे वो अभी तो कुछ देख नहीं पाएंगे, तो सुबह देखेंगे उस चीज़ को, क्योंकि जो मज़ा सुबह है ना वो शाम को रात में नहीं है। रात में सिर्फ आपको लाइटें लाइटें दिखाई देंगे और कुछ घर नहीं। स्कूटी में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो नहीं आ रही है, ऐसे लग रही है कि बार बार ऐसा लग रहा है कि वो पिकअप नहीं ले जीरो रही के हाँ पिकअप का मतलब जीरो के ऊपर ही नहीं जा रहा। शायद पहाड़ में ऐसा प्रॉब्लम होती होगी। तो शायद से हमें लगता है हमें ना अपने, क्योंकि अब मेरी जो 50,000 चल चुकी है मेरी, तो मुझे ना ऐसे इंजन ऑयल एक बार चेक करना पड़ेगा। क्योंकि उसका जब भी मैं अगर 3,000 रुपये किलोमीटर पे उसको चेंज कराता हूँ ना इंजन ऑयल, तो उस होता क्या है कि उसका इंजन ऑयल ना कम हो जाता है। अगर अगर आप टॉप अप नहीं कराओगे टाइम टू टाइम, अगर आप पिस्टन विस्टन नहीं करना चाहते, अगर टाइम नहीं चेंज कराओगे तो आपका पिस्टन सीज हो जाएगा, मतलब इंजन सीज हो जाएगा, तो आपको गाड़ी चलेगी नहीं फिर बिल्कुल भी। तो तेरी भी चेक चेक करनी पड़ेगी ना तेरी भी, हाँ एक बार चेक करा लेंगे, देखते वो हैं। तो मैं खुद चेक कर लूंगा ऐसा पिछला का हल्का सब सा। तो अभी नहीं, अभी तो मैं तो जब आ रहा था तब तब तो ऑयल डलवा दिया था मैंने। तब तो इंजन नया ऑयल नया डला है? हाँ तब तो इंजन ऑयल डला के आया था। पता नहीं अभी क्या है, क्या सीन है। और वैसे भी तो अब तो क्या है, यहाँ से सीधे चढ़ान है, हमें उतरना ही है, चढ़ान तो है ही नहीं। अब और हमारा उतरना वैसे भी है, पेट्रोल हमारा काफी बचने वाला है इस बार। पेट्रोल लगना है क्योंकि एक बार बस वही है कि हाँ बंद कर देंगे पेट्रोल को, ऐसे ही चलता रहेगा गाड़ी स्कूटी हमारी, कभी ढला नहीं होगा। पता है होता क्या है कि जैसे हम किसी चीज के लिए सोचते हैं ना कि वहां जाना है और वो चीज ना मिले तो इतना गुस्सा आता है रोड पे, बहुत ज्यादा। क्यों आते तो गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो आता नहीं, बहुत ज्यादा आता है। मतलब अभी हमने कम से कम ना अभी कितने सुबह 6 बजे चला रहे हैं हम स्कूटी ना, सुबह 6 बजे स्कूटी चलाई है और आज टाइम क्या हो गया, 10 बजे गए, 6, 7, 8, मतलब ये हो गए 13, 14 घंटे हो गए करीब चलाए, 14-15 घंटे चला लिया हमने, इतना लंबा। और आंखें भी लाल हो रही है हमारी, देखो बंदा ना जरा 1 घंटा जल्दी। चलाए ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए वो। चलो कोई नहीं, अब एक काम करते हैं फटाफट से हम ना भाई कुछ मंगा लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि अब जो व्यू देखेंगे अब सुबह देखेंगे, तो फिर सुबह मिलते हैं फिर इस चीज़ को देख के, ठीक है। यहाँ का नज़ारा अभी शाम हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 9:18। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से और यहाँ थोड़ा मसूरी का थोड़ा थोड़ा हल्का सा व्यू देख के थोड़ी थोड़ी फोटो खिंचा के थोड़ी उसकी जगह, मतलब अभी हमने बाहर नहीं गए बिल्कुल भी, बाहर जाके देखा भी नहीं कि ऐसा मौसम हो रहा है। ऐसे बाहर से मतलब रोशनी ऐसे आती है कि रोशनी ऐसे आ रही है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बारिश जैसा मौसम हो रहा हो। और बारिश जैसा मौसम मतलब इस होते हैं ना कि ठंड, और मैं तो भाई इसमें आया हूँ और मैंने एक शर्ट अंदर डाल ली है, तो ऐसा ना हो कहीं एक बहुत ठंड ना लग जाए यहाँ पर। मैं फिर भी कोई नहीं, मैं बैग बैग आगे रख के चलाऊंगा। तो अभी चलते हैं बाहर, हमारी स्कूटी में देखते कितनी वो जमी हुई है, वहाँ जाके मिलते हैं फटाफट से आगे चलते हैं। तो बाहर हम अभी आ चुके हैं और भाई साहब कोहरा ही कोहरा, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सीट दिखाई देगा नहीं, तभी हम स्कूटी के पास चलते हैं। अभी हम एक बार ना इसमें ऑयल चेक करना है मेरे को, ऑयल कितना है इसमें, अगर ऑयल कम ज़्यादा पड़ा ना मेरे को फिर ऐसे डलवाना पड़ेगा इसमें। तो गाइस अभी हम लोग
बारिश हुई है अभी, कोहरे में तो भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और देखो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्राइवेट कुत्ते से सावधान। इंजन ऑयल भी चेक कर लिया पूरा, इसमें पूरा सही दिखा रहा है एकदम। और दूसरा कि अब हम निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और हो सकता है कि मैं ऐसे स्कूटी स्टार्ट ना करूं, और दिखाने लायक तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो भाई यहाँ कोहरा ही कोहरा है बहुत ज़्यादा, तो जॉय भी आ रहा है बट मगर ये कि रात में देखने लायक चीज़ थी, रात को देखने लायक चीज़ थी, इसलिए अब ये है भाई यहाँ कोहरा इतना है ना कुछ देखने लायक है ही नहीं बिल्कुल एकदम। ऐसा कोहरा तो नहीं कहूँगा, ऐसे बादल ही कहेंगे थोड़े बहुत। तो अभी हम कहीं अच्छी जगह रुक के चाय पियेंगे। जॉय मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं? वैसे रात को हमने गलती कर दी, हम क्योंकि रात को हम खुद 9 बजे करीब पहुंचे थे ना, तो इस वजह से ना हम थक और वैसे गए थे, और यहाँ रुकने का कुछ फ़ायदा था नहीं। और गाइस अगर आपको आना है तो आप यहाँ पर आके स्कूटी रेंट पे भी ले सकते हैं। पता नहीं जॉय को कितना डर लगता है चीज़ को लेके, कह रहा उतार नहीं पाएगी। भाई मैं तो उतार लिया रहा, हमें तो इतना तो एक्सपीरियंस है भाई, तुम गाड़ी को उतार ले जाएंगे बिना इंजन वो करे, स्कूटी स्टार्ट ही नहीं करनी वहाँ तक। पता नहीं कल क्या हुआ, रात को इसकी स्कूटी ने दम तोड़ दिया, मतलब 20 की स्पीड पे भी ना चढ़ ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। या तो उसने लाइट जला रखी थी, वजह से पावर ऐसी मिसिंग मार रही थी, मुझे पता नहीं। तो मेरे को भी शायद स्कूटी देखनी पड़ेगी, जॉय की स्टार्ट ही नहीं हो रही उसकी। तो यहाँ भी पर रुक के देखते हैं, यहाँ भी पर रुकना पड़ेगा लगता है, यहाँ पर कोई दिखाई देगा कि नहीं। यहाँ पे रुके एक बार, तो ये आलू प्याज के पराठे हैं जो हमने मंगाए हैं, अभी चाय आ रही है, चाय के लिए जा रहे हैं। तो गाइस हमने मसूरी में ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम वहाँ से रेडी हो गए थे निकलने के लिए। तो निकलने के बाद क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई थी वहाँ पर, तो देहरादून जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। अब ये था कि जो हमने सोचा था वो चीज़ नहीं हुई, हमें धनोल्टी जाना था। धनोल्टी का वही है कि मैप में गलत रास्ता दिखा रहा था, तो उस वजह से हम धनोल्टी नहीं जा पाए, तो मसूरी के लिए हमें रुक करना पड़ा। तो उस वजह से हमारा कुछ जो प्लान था वो सारा चौपट हो चुका था। तो हम क्या, कोई कुछ चारा था नहीं घर के लिए, तो घर ही निकल लिए इसी तक, क्या करते। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, फिर अगर मिलते हैं ऐसी वीडियो में। अगर आप कहीं मौका मिला जाने का तो हम दोबारा भी जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है कि हम सोच रहे हैं कि एक बार हिमाचल प्रदेश की तरफ निकलें, क्योंकि इस बार हमारा कुछ अच्छा सा प्लान है कि हम आगे जाके अच्छी वीडियो बनाएं। तो टिल देन गुड बाय एंड साइनिंग ऑफ।